वेलकम स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं समनाभिकीय द्विपरमाणु कणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने कई सारे अणुओं के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाए हैं, पढ़े हैं। हाइड्रोजन अणु, हीलियम अणु, कार्बन अणु, बोरोन अणु, बेरिलियम अणु, लिथियम अणु, इन सभी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स हमने डिटेल में पढ़े हैं। आज हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन अणु, इसका आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम डिटेल में अच्छी तरह से समझते हैं। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। नाइट्रोजन परमाणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 7। दो नाइट्रोजन परमाणुओं के संयोग से एक N2 अणु बनता है। N2 अणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 14। 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 अणु में होते हैं। N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा KK, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई बॉन्डिंग 2px2 इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2। यहाँ पे इसके N2 अणु के प्रथम कोष में बंधी और विपरीत बंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः इसका बंधन में कोई भी योगदान नहीं होगा। हमने यहाँ पे KK लिखा है, मतलब दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं में KK कक्षक है, लेकिन बंध बनाने में उसका कोई भी योगदान नहीं है। KK बराबर होता है सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। अब आगे डिटेल में देखते हैं जरा इसका आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख। सबसे पहले इसे किस तरह से बनाते हैं उसे समझते हैं। तो लेफ्ट में नाइट्रोजन एटम के, नाइट्रोजन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p3। तो इसमें देखिए, नीचे से ऊपर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे लेफ्ट में 1s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है हमने, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स दर्शाए हैं। और ऊपर चलते हैं, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। और ऊपर चलते हैं, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक px में, एक py में और एक pz में है, ये हाफ फिल्ड है। इसी तरह से राइट में एक और नाइट्रोजन एटम है जिसके कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं। उसके ऊपर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। उसके ऊपर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ हमने नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हर एक नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं। अब बीच में हम N2 अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग, उनके संयोग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हम बीच में बनाते हैं।
तो हमने लिखा है N2, अणु बीच में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आणविक कक्षक। अब सिग्मा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों नाइट्रोजन के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कौन से? सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों नाइट्रोजन एटम्स के 2s ऑर्बिटल में मिला करके, तो दो उनमें से जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्डिंग 2s में, क्योंकि इसकी एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s से कम है, और दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। फिर और ऊपर चलते हैं 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एक नाइट्रोजन के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों नाइट्रोजन के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब इन 2p ऑर्बिटल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हैं पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बीच में बनाते हैं हम, और उसके बाद इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं नियम के अनुसार। अब यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले पाई बॉन्डिंग 2px में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद पाई बॉन्डिंग 2py में एक और इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर पाई बॉन्डिंग 2px में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और पाई बॉन्डिंग 2py में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये दोनों पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पेयर्ड हो जाएंगे। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स और बचेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा, इसलिए जो एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो खाली रहते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की है, मैंने जब जनरल लेक्चर बनाया था शुरू में तब भी मैंने आपको बताया था कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पाई बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा है वो सिग्मा बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम है। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py, इन दोनों की एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इससे कम है। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz को हम पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py से ऊपर बनाते हैं। ये स्पेशली N2 तक आपको ध्यान में रखना है। N2 तक जितने भी अणु हमने पढ़े हैं उनमें सिग्मा बॉन्डिंग 2pz है इसकी एनर्जी पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py से ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि N2 अणु में हम बंधक्रम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बंधक्रम बराबर फॉर्मूला होता है Nb-Na/2। Nb मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम Nb से दर्शाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंधी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम Na से दर्शाते हैं अपॉन 2। तो फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर या बंधक्रम निकालने का है Nb-Na/2। अब हम डायग्राम से देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं
कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं हम। बीच में देखिए N2MO है, वहाँ पे नीचे से शुरू करते हैं हम। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s में सबसे पहले देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो। उसके बाद ऊपर हम आते हैं पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, इन दोनों में भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके ऊपर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हुए यहाँ पे, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s में दो, पाई बॉन्डिंग 2px में और दो, पाई बॉन्डिंग 2py में और दो, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में भी दो। तो टोटल हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उन्हें ध्यान से देखिए और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे 8। अब देखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे है एक ही है, वो सिग्मा स्टार 2s, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं। और बाकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये खाली हैं तीनों। तो यहाँ पे Na, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो है दो। तो बॉन्डिंग में हुए 8, एंटी बॉन्डिंग में हुए 2। तो फॉर्मूले में हमने रख दिए इन्हें, Nb-Na/2 = 8 - 2/2 = 3। मतलब N2 अणु में ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N। N2 अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य तीन बंध हैं, एक सिग्मा बंध है और दो पाई बंध हैं। क्योंकि इसके दो पाई बंधी अणु कक्षकों में, ये देखिए आप, इसके दो पाई बंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के दो युग्म हैं, पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py। जबकि सिग्मा बंधी अणु कक्षक, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसलिए हम आसानी से देख करके पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि N2 अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य तीन बंध हैं, एक सिग्मा बंध है, दो पाई बंध हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें पता है किसी भी अणु का बंध क्रम जितना ज़्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है, वह अणु उतना ही अधिक स्थायी या स्टेबल होता है। मतलब बंध क्रम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्थायित्व, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। N2 अणु में हम अब ये देखते हैं कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो देखिए जरा आप, बीच में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं N2 अणु के, उनमें देखना शुरू कीजिए। नीचे देखिए सिग्मा बॉन्डिंग 2s, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड, पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py और सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, इन सभी में सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। कोई भी अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन N2 अणु में नहीं है, मतलब इसकी प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। N2 अणु की बंध ऊर्जा 225 किलो कैलोरी पर मोल तथा बंध लंबाई 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। अब अगर N2 अणु में से हम एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दें तो क्या बन जाएगा, N2+। अब N2+ इसका बंध क्रम निकालिए जरा,
इसका बंध क्रम हो जाएगा 2.5। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये होमवर्क है आपके लिए। N2+ आयन, इसका मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, बंध क्रम निकालिए और इसकी प्रकृति देखिए कि ये अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सबसे पहले N2 का मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो N2+ आयन बनेगा, और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए तो वो आएगा 2.5 और वो है पैरामैग्नेटिक क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आज हमने नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख विस्तार पूर्वक पढ़ा। कल हम O2 अणु का मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। N2 अणु और O2 अणु में दोनों में फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है ये मैंने आपको पहले जनरल जो एक वीडियो बनाया था उसमें समझाया था। कल हम और डिटेल में देखेंगे कि इन दोनों अणुओं में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।